हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हैव ए फैबुलस डे, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नोट मेकिंग एंड एब्स्ट्रक्शन, द न्यू टॉपिक फॉर क्लास 12th। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th and we are studying compulsory English. Class 12th and the topic is note making and summary. Abstraction means summary. Dear students, this is the topic for you. We are going to discuss about note making. How do we make a note of a passage? You will be given the second number question in board examinations. चलिए हिंदी में बात करते हैं। क्लास 12th का नया टॉपिक है नोट मेकिंग और एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है समरी। समरी का मतलब होता है सारांश, सार। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां आपको बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आएगा, वो आपका पैसेज आएगा और वो पैसेज क्वेश्चन एंड आंसर से संबंधित होता है, जबकि दूसरा क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन का आपको नोट तैयार करना होता है और उसी क्वेश्चन का आपको समरी भी बनानी होती है, वो क्वेश्चन भी आपका पैसेज का होता है। दो गद्यांश आते हैं, पहला गद्यांश प्रश्न उत्तर आपको देने हैं, जबकि दूसरा गद्यांश होता है नोट मेकिंग का और एब्स्ट्रक्शन का। चलिए बात करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन। आप यहाँ लिखना प्रारंभ कीजिए, नोट मेकिंग इज ए वे ऑफ रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट details from a source. It is a skill. यह एक विधा है दैट कैन बी और विच कैन बी इम्प्रूव्ड बाय प्रैक्टिसिंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू गेट इट। आपको ये समझना है नोट मेकिंग आपको जो तैयार करना होगा, सारांश तैयार करना होगा, वो आपका एक पैसेज दिया हुआ आएगा, एक गद्यांश दिया हुआ आएगा। नोट मेकिंग इज ए वे, एक तरीका है, एक मेथड है ऑफ रिकॉर्डिंग
रिकॉर्ड करने का, रखने का इम्पॉर्टेंट डिटेल, महत्वपूर्ण विवरण फ्रॉम ए सोर्स, माने किसी स्रोत से। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, हमारे सिलेबस में यह सोर्स का मतलब है गद्यांश पैसेज दिया हुआ आएगा, उस पैसेज का हमें नोट तैयार करना है, और नोट तैयार करने का मतलब इम्पॉर्टेंट डिटेल को रिकॉर्ड करना है। महत्वपूर्ण विवरण को रिकॉर्ड करने का जो तरीका है वही आपका क्या कहलाता है, नोट मेकिंग कहलाता है। लेकिन हमें नोट तैयार करने के लिए एक सोर्स की अति आवश्यकता होती है, और हमें एग्जाम में सोर्स भी दिया हुआ आएगा। वी विल गेट सोर्स एंड फ्रॉम द सोर्स और फ्रॉम द पैसेज वी हैव टू मेक ए नोट एंड द एब्स्ट्रैक्शन, दैट मीन्स समरी। एब्स्ट्रैक्शन समरी, सारांश भी लिखना है। इट इज ए स्किल, नोट मेकिंग एक स्किल है, एक विधा है, विच जिस विधा को, जिस स्किल को, जिस दक्षता को, जिस कुशलता को कैन बी इम्प्रूव्ड, सुधारा जा सकता है बाय प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते हुए। यदि आप अभ्यास नहीं करते हो तो नोट तैयार करने में आपको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आप इसके जो रूल्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उनको क्लियर करेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास नोट्स होने चाहिए, यानी कि प्रैक्टिस होने चाहिए, पैसेज होना चाहिए, और उस पैसेज को हमें नोट के रूप में तैयार करना है। आगे लिखिए, नोट मेकिंग एक उपयोगी वह महत्वपूर्ण कला है। जिसमें किसी विशाल अध्ययन सामग्री को छोटा कर दिया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है ये सभी विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वो हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम। और लगभग इसी इंग्लिश जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसी का ये नीचे हिंदी डिटेल दिया हुआ है, हिंदी ट्रांसलेशन दिया हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, नीचे लिखिए, नोट तैयार करते समय या नोट बनाते समय निम्न पॉइंट्स को याद रखना चाहिए। यानी कोई भी गद्यांश दिया हुआ है, उस गद्यांश का हम नोट तैयार करेंगे तो हमें कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, समझना है, उन पॉइंट्स को हमें याद रखना है। वी शुड, ये इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, वी शुड लर्न, यू कैन राइट हियर रिमेंबर,
द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग ए नोट ऑफ गिवन पैसेज, किसी भी दिए गए गद्यांश को नोट बनाते समय, नोट प्रिपेयर करते समय हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने ये लिख लिया है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। हालांकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इंग्लिश लिख सकते हैं, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको या जो भी बच्चे इस क्लासेज को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी जो हम सोच रहे हैं ऐसा कुछ टफ नहीं है। इंग्लिश को आप डायरेक्ट वे में पढ़िए। प्रॉब्लम इज दैट वी ऑलवेज वांट टू ट्रांसलेट ईच वर्ड इन हिंदी, बट वी शुड लर्न एवरीथिंग डायरेक्ट वे ऑफ मेथड। यानी कि अंग्रेजी का जो डायरेक्ट वे है, सीधा तरीका है, वो समरी, नोट मेकिंग, क्या हिंदी होता है ये समझने के बजाय इसका इंग्लिश ही समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, यहां पहला पॉइंट आपको लिखना है, नोट संक्षिप्त रूप में लिखना चाहिए या नोट संक्षिप्त लिखना चाहिए। कहने का मतलब, जब हम नोट तैयार करते हैं तो इसको शॉर्ट रूप में लिखते हैं। हमें गद्यांश दिया हुआ आएगा लगभग 300 से 400 शब्दों का। माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू टेक इट, गेट इट, वी विल गेट ए पैसेज, द वर्ड लिमिट इज 300 to 400। और जो पहला पैसेज आएगा वो 500 से 600 शब्दों का आएगा। चलिए, नोट संक्षिप्त लिखना चाहिए, नोट शुड बी रिटन इन शॉर्ट। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लिखना है, गद्यांश आएगा उसका शॉर्ट फॉर्म हमको लिखना है, संक्षिप्त रूप उसका लिखना है हमें। यहां से आगे चलते हैं, नोट लिखते समय गद्यांश को पढ़ें, वह पुनः पढ़ें। रीड द पैसेज एंड री रीड द पैसेज केयरफुल्ली व्हाइल राइटिंग ए नोट। प्रिय विद्यार्थी, कहा जा रहा है रीड, पढ़ो द पैसेज गद्यांश को, एंड री रीड और पुनः पढ़ो द पैसेज गद्यांश को केयरफुली, सावधानी पूर्वक, व्हाइल राइटिंग ए नोट, माने एक नोट तैयार करते समय, नोट लिखते समय। चलिए यहां से आगे,
मैं आशा करता हूं कि आप इसको आराम से कॉपी कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा यहां, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। पहला व दूसरा क्वेश्चन तो आपको विशेष अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि एग्जामिनर महोदय का माइंडसेट वही हो जाता है पहले व दूसरे क्वेश्चन में ही कि विद्यार्थी कितना ज्ञान रखता है, क्योंकि आपको क्लास ट्वेल्थ में केवल और केवल कंपोजिशन पार्ट दिए हुए हैं, रचना दी हुई है, चाहे वो आपकी टेक्स्ट बुक में हो, चाहे वो आपकी ग्रामर पोर्शन में हो, कंपोजिशन पार्ट है। और बच्चे की रचनात्मक क्षमता कितनी है, कितनी रचनात्मक क्षमता विद्यार्थी रखता है, इस बात पर एग्जामिनर गौर करता है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला डैश लगा के आप लिखिए, गद्यांश पढ़ते समय महत्वपूर्ण शब्दों व फ्रेजेज का मतलब होता है वाक्यांश, ध्यान रखना है। को अंडरलाइन करें। कहने का मतलब यह है कि जब आप नोट तैयार कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, गद्यांश को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हमें फिर पुनः पढ़ना है। पहली बार उसको आराम से पढ़िए, लेकिन पुनः जब हम उसी गद्यांश को पढ़ते हैं थोड़ा तेजी से पढ़ना है, बिकॉज वी डू नॉट हैव ऑल डे, क्योंकि हमारे पास पूरा दिन नहीं है कि आप आराम से गद्यांश को पढ़ते जा रहे हैं और आराम से आप एग्जाम में अपियर हो रहे हो। हमारे पास केवल 3 या 3 घंटे 15 मिनट होते हैं, और उसमें हमें पूरा सिलेबस कवर करके क्वेश्चन दिए हुए आते हैं, तो सभी प्रश्नों का एक समय सीमा निर्धारित है, आप उसके अनुसार उनको कीजिए। हालांकि ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों, समय पर फोकस नहीं करना है, फोकस करना है अपने एग्जाम पर, अपने प्रश्नों पर। कभी कभी क्या होता है, विद्यार्थी जानते हुए भी हेजिटेशन में, हड़बड़ाहट में समय की ओर ज़्यादा ध्यान देता है और अपने मुख्य बातों से भटक जाता है। समय आपको ध्यान तो देना ही है, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करोगे घर पर, उतना ही आपका समय भी तरीके से ही स्वतः ही सेट होता जाएगा। चलिए यहाँ से आगे लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लिखना है, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस व्हाइल रीडिंग द पैसेज। गद्यांश को पढ़ते समय हमें क्या करना है, शब्दों को, वाक्यांशों को अंडरलाइन करना है, जो भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको। डू नॉट वरी माई डियर स्टूडेंट्स, यहां आपको
पैसेज लिखते हुए, गद्यांश लिखते हुए, या मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से, किस प्रकार से हमें किसी पैसेज को, किसी गद्यांश को नोट के रूप में बदलना है, नोट के रूप में तैयार करना है। ओके डियर्स, यहां से आगे लिखिए, मुख्य बातों को मेन पॉइंट्स को हेडिंग बनाते हुए लिखें। राइट द मेन पॉइंट्स वाइल मेकिंग हेडिंग। आप जो भी बातें लिखते हो हेडिंग में लिखोगे, मेन पॉइंट्स में लिखोगे। प्रिय विद्यार्थियों, हेडिंग या कह सकते हो सेक्शन या कह सकते हो टाइटल, इसके बाद होता है सब हेडिंग, जिसको कहते हैं सब सेक्शन या कह सकते हो सब टाइटल, इसके बाद होता है सब सब हेडिंग या सब सब सेक्शन या सब सब टाइटल, यानी कि भाग, उपभाग और उप उपभाग में हम इनको बांटते हैं, इनको तैयार करते हैं। मेन पॉइंट्स को सेक्शन, सब सेक्शन, सब सब सेक्शन, यह ब्रैकेट में लिख सकते हो भाग, उपभाग उप उपभाग। मैं लिखते हैं या आप कह सकते हो हेडिंग, हेडिंग नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, टाइटल। सब हेडिंग, सब हेडिंग नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, सब टाइटल। सब हेडिंग या सब टाइटल, इसके बाद सब सब हेडिंग या कह सकते हो सब सब टाइटल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे राइट द मेन पॉइंट्स इन सेक्शन, सब सेक्शन एंड सब सब सेक्शन। प्रिय विद्यार्थियों, इन मेन पॉइंट्स को सेक्शन, सब सेक्शन
और सब सब सेक्शन यानी उप उप भाग में बदलते हैं। चलिए मैं यहाँ आपको बताता हूँ किस प्रकार से हम बदलते हैं या किस प्रकार से हम यहाँ इनको बदलेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे। एक गद्यांश दिया हुआ आएगा और गद्यांश में आपको क्या करना है, जो मेन सेक्शन होता है, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने लिखा या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने, मेन सेक्शन को आप लिखोगे एक दो तीन चार इस प्रकार से, इस प्रकार से इनको लिखोगे। मेन सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, और मेन सेक्शन को आप इस प्रकार नहीं लिखना चाहते तो फिर और प्रकार से क्या लिख सकते हो, या रोमन संख्या में डाल सकते हो, एक दो तीन चार इस प्रकार से लिख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं हम सब सेक्शन की। मैं यहां फिर बता देता हूं सभी विद्यार्थियों को, सब सेक्शन जो होता है उस सब सेक्शन को हम किस प्रकार लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। इनका मतलब क्या है प्रिय विद्यार्थियों, मेन सेक्शन में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और उसके नीचे फिर और पॉइंट होते हैं, उनको हम कहते हैं सब सेक्शन। सेक्शन या मेन सेक्शन मुख्य भाग, इसी को कहते हैं मेन सेक्शन को ही हेडिंग, इसी को कहते हैं टाइटल शीर्षक। और जो सब सेक्शन होता है इसको कहते हैं उपभाग, यानी इसी को कहते हैं सब हेडिंग और इसी को कहते हैं सब टाइटल। इसके बाद होता है सब सब सेक्शन उप उपभाग, इसी को हम कहते हैं उप उपभाग को ही सब सब हेडिंग या कह सकते हो सब सब टाइटल। अब आपको इसमें लिखना है, क्या लिखना है सब सेक्शन में, सब सेक्शन में लिखना है इस तरीके से, एक दो तीन चार ऐसे रोमन संख्या में लिखना है। ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हो एक पॉइंट एक, एक पॉइंट दो, एक पॉइंट तीन, एक पॉइंट चार इस प्रकार से लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। उपशीर्षक की बात कर रहा हूं। और तीसरा है सब सब सेक्शन, सब सब सेक्शन को आप लिख सकते हो ए बी सी डी इस प्रकार से, और इनको लिख सकते हो एक पॉइंट एक पॉइंट एक या एक पॉइंट एक पॉइंट दो, एक पॉइंट एक पॉइंट तीन इस प्रकार से लिख सकते हो। कहने का मतलब आप एक दो तीन चार मुख्य शीर्षक में मुख्य भाग में नहीं लिखना चाहते तो रोमन संख्या में लिख दीजिए, और आप ऐसे भी नहीं लिखना चाहते तो आप अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी ए बी सी डी में लिख सकते हो, ए बी पहले भाग में ए, दूसरा भाग बी, तीसरा भाग सी, चौथा भाग डी। ध्यान रखना है जल्दी से तेजी से इसको समाप्त करते हुए मैं यहाँ आपको नोट मेकिंग और समरी, सेक्शन को कमज़ोर नहीं करना चाहता। नोट मेकिंग और समरी जो सेक्शन है ये आपका इतना मजबूत होना चाहिए कि ये भाग यदि आपका मजबूत है तो एग्जामिनर महोदय का माइंडसेट वहीं हो जाएगा। 20 और 25 मिनट की क्लास में इसको मैं समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, समझिए, धीमे समझिए। जब तक आप इन सब को समझोगे, लिखोगे और उसके बाद गद्यांश लिख करके, पैसेज लिख करके, पैसेज में से किस प्रकार से नोट तैयार करना है, इन सब को आप जब तक नहीं देख लोगे तब तक आपको नोट मेकिंग में थोड़ी सी परेशानी अवश्य आएगी।
कभी कभी तो ये भी समझ में नहीं आता कि सर क्या मतलब है इस सब का। इस सब का मतलब यह है कि गद्यांश आपको दिया हुआ है, गद्यांश की पहली पंक्ति में मेन पॉइंट्स क्या है उसको तो नंबर एक में लिख देते हैं, उस मेन पॉइंट्स के बारे में कौन कौन सी बातें की जा रही हैं नंबर दो में लिख देते हैं। मान के चलिए पहले पैसेज के पहले पैराग्राफ में पहली या दूसरी पंक्ति में महाराणा प्रताप का जिक्र किया गया है, तो हमारा पहला शीर्षक पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, महाराणा प्रताप। अब अन्य पंक्तियों में महाराणा प्रताप के बारे में बहुत विवरण दिया हुआ है, तो हमारे अन्य जो उप उप शीर्षक उप उप भाग होंगे वो हो जाएंगे। और यदि उन पंक्तियों के अंदर और भी कोई जिक्र दिया हुआ है वो हो जाएगा उप उप भाग। मान के चलिए महाराणा प्रताप के बाद पंक्तियों में उनके जीवन के बारे में कुछ दिया हुआ आता है, महाराणा प्रताप के कवच या बाले के बारे में आता है, चेतक घोड़ा के बारे में आता है, तो वो चेतक है, उसके नीचे और कुछ दिया हुआ है तो वो हो जाएगा उप उप भाग। मेन भाग महाराणा प्रताप, उसका जो उपभाग है चेतक, उसका घोड़ा था, और उसका उप उपभाग क्या हो जाएगा, चेतक के बारे में कुछ दिया हुआ है। लेकिन चेतक के बारे में विशेष कुछ दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा वर्णन किया हुआ है, तो मेन पॉइंट्स पहला महाराणा प्रताप, और दूसरा मेन पॉइंट्स कौन सा हो जाएगा, चेतक हो जाएगा, तीसरा मेन पॉइंट और अगला हो जाएगा, चौथा और अगला हो जाएगा, इसी प्रकार से आपके मेन पॉइंट्स बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहाँ आज की क्लास या इस पार्ट को यहीं समाप्त करता हूँ। इस पार्ट के बाद सेकेंड पार्ट में इसी दिन आपको नेक्स्ट यहाँ से आगे करवाया जाएगा, समझाया जाएगा, आपको गद्यांश भी लिखाया जाएगा। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ बी हैप्पी बी हेल्दी एट योर होम एंड वॉचिंग दीज क्लासेज, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।